Welcome once again, dear friends, and today we are going to talk few important questions on rural development. तो rural development के कुछ important questions हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक दो questions तो human capital formation से आपको आपसे just पूछूंगा. अगर आपको आते हैं तो comment box में लिख देंगे, नहीं आता तब भी लिखेंगे ताकि उस पर हम आगे प्रयास कर सकें. इसमें एक क्वेश्चन देखा होगा अपने एनसीईआरटी में, डिस्कस द नीड फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर अ एम्प्लॉय. ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन. टू डिस्कस द नीड फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के लिए, कर्मचारी के लिए, ऑन द जॉब मतलब जब जॉब में रहता है तो उसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, प्रदान की जाती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है. दूसरा क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स. डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद अ वैलिड आर्गूमेंट्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स. डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड आर्गूमेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन. वाई इज रूरल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट? रूरल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि रूरल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, आखिर किन कारणों से रूरल डेवलपमेंट पर इतना फोकस किया जाता है, क्यों किया जाना चाहिए, यही इस क्वेश्चन का मतलब है. तो इसका डायरेक्ट हम आंसर देते हैं. द रियल प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री does not mean simply the growth and expansion of industrial urban centers. औद्योगिक जो शहरी क्षेत्रों में जो सेंटर्स हैं, केवल उनके विकास से हम इकोनॉमिक ग्रोथ और वास्तविक प्रोग्रेस का अनुमान नहीं लगा सकते. मतलब कहने का मतलब है कि अगर कहीं औद्योगिक कुछ उद्योग बनाए जाते हैं, स्टेब्लिश किए जाते हैं और उसमें जो प्रगति हो रही है, उसके बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि वास्तव में देश का विकास हो रहा है. इट इज मेनली द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस. वास्तविकता में विकास किसको कहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, गांवों का विकास हो, द रूरल सेक्टर, ग्रामीण जो क्षेत्र है उनका विकास हो. डेवलपमेंट ऑफ अ रूरल सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर, एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. क्या है? एग्रीकल्चर मुख्य स्रोत है किसका? जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत है इन द रूरल सेक्टर ऑफ इंडिया. ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर जो है मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का. मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. भारत में 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में कार्य कर रही है. बल्क ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर. बल्क ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर. जो एग्रीकल्चर से प्राप्त होने वाला या ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त होने वाला जो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जो मिलता है वो इंडस्ट्रीज को प्राप्त होता है. मतलब इंडस्ट्रीज को प्राप्त होने वाला मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, मतलब ग्रामीण सेक्टर से मिलता है. हाउएवर द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज सो लो दैट 1/3 ऑफ रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी. लेकिन एग्रीकल्चर की जो उत्पादकता है पर हेक्टेयर, प्रोडक्शन को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, पर हेक्टेयर, पर जो यूनिट एरिया है जिस यूनिट में हम मेजर कर रहे हैं उसमें जितना प्रोडक्शन होता है उसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं. So, however, the level of agricultural productivity is so low that 1/3 of the rural India still lives in abject poverty. Thus, it is important to develop rural India if our nation has to realize real economic and social progress. अगर वास्तविक देश में वास्तविक रूप से हमको आर्थिक और सामाजिक विकास देखना है तो हमको ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना होगा. क्योंकि मेरा मानना है कि इंडिया इज प्राइमरली ए कंट्री ऑफ विलेजेस. भारत गांव का देश है, भारत को मंदिरों का देश कहा गया, भारत को नदियों का देश कहा गया, तो ये उससे ज्यादा सत्य है कि भारत गांव का देश. एंड आवर मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल लिव इन विलेजेस. हमारे ज्यादातर जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं.
ओके okay? और ये एक अनुमान लगाया गया कि इन आवर ऑलमोस्ट ऑल फाइव ईयर प्लान्स, ये अनुमानीय वास्तविकता है, ये सर्वे है हमारा, कि ऑलमोस्ट ऑल द फाइव ईयर प्लान्स जो हमारा फोकल पॉइंट रहा है वो हमारा ग्रामीण विकास रहा है, और इसके बावजूद भी हमारे गांव पिछड़े हुए हैं। मतलब गांव में अगर मान लिया जाए कि किसान ही केवल रहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो होते ही हैं, तो अन्नदाता गरीब है इस देश का, और जिस देश का अन्नदाता गरीब हो उस देश की हालत क्या हो सकती है, वो खुशहाल नहीं होगा, तो देश में मानसिक शांति भी नहीं होगी, सोशल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी तो कभी आ ही नहीं सकती। रूरल डेवलपमेंट एक कम्प्रिहेंसिव टर्म है, और ये मुख्य रूप से जो विकास के ऊपर फोकस करता है उन एरिया में जहाँ जो विकास से अछूते रह गए हैं, जो वंचित रह गए हैं। तो मतलब इसको अंग्रेजी में बोलना हो तो बोल सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट इज कम्प्रिहेंसिव टर्म, इट इसेंशली फोकसेस ऑन एक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। और यही सब कारण है, जो भी हमने सारे जो एग्जाम्पल देखे कि वास्तविक प्रोग्रेस अगर होना है तो केवल कुछ औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, शहरी क्षेत्रों के विकास को हम वास्तविक प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है जो कि एग्रीकल्चर है, जो कि रूरल सेक्टर का पार्ट होता है, अगर वहाँ विकास नहीं हुआ तो वास्तव में ग्रामीण विकास नहीं हो सकता। दो तिहाई से ज़्यादा लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इसलिए एग्रीकल्चर मतलब रूरल सेक्टर का विकास जरूरी है। और हमारे औद्योगिक क्षेत्र के बहुत सारे रॉ मटेरियल, चाहे उग्र बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, ओके, दीज कम फ्रॉम द रूरल सेक्टर। हेंस वी कैन इजली से दैट रूरल डेवलपमेंट इज वेरी इसेंशियल, और इसी से स्वराज की कल्पना हम कर सकते हैं, और इसी से मेरे भारत को महान बनाने का सपना देखा जाता है। तो रूरल सेक्टर इज द वे, रूरल सेक्टर इज द की टू मेक मेरा भारत महान। थैंक यू।